सीटीवी के सीरियल तेरे बिना जिया जाए ना में कृषा और देवराज के बीच ऑल इज वेल होता हुआ नजर आ रहा है। देवराज के सामने वामिका की सच्चाई आ गई है और उसने वामिका को घर से बाहर भी निकाल दिया है, लेकिन कृषा से उसकी नाराजगी अब भी जारी है। ऐसे में कृषा पूरी कोशिश कर रही है देवराज की गलतफहमी को दूर करने की। देव और कृषा ही नहीं बल्कि कृषा और जया माँ के बीच भी बॉन्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। जरा देखिए कैसे जया माँ कृषा पर अपना दुलार जता रही है और साथ ही दे रही है उसको आशीर्वाद भी। बेसिकली आज हम जो सीन कर रहे हैं उसमें वामिका को मैं घर से बाहर निकाल चुका हूँ। उसके बाद कृषा के साथ अभी भी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक नहीं हुई है, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो जया माँ से सुलह नहीं कर लेती है तब तक मैं उन्हें माफ़ नहीं करूंगा। और अभी जो हमारा सीन हो रहा है उसमें यही दिखाया गया है कि जया माँ आती हैं और वो बोलती हैं कि कृष्णा ने मुझसे माफ़ी मांग ली है और हम दोनों ने एक माओ की तरह एक दूसरे से बात की है और हमारे बीच में सब कुछ अच्छा हो गया, इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब इतना लाड़ प्यार जताने के पीछे जया माँ की कौन सी चाल रहेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो ऑफ कैमरा जैसे ही पूरी टीम को समय मिला तो देखिए कैसे पूरी टीम सेट के अंदर ही क्रिकेट का खेल खेलने लगी और फुर्सत के पलों को एंजॉय करने लगी। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज तक अभी तक इस मुकाम पर अगर मैं पहुँचा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे फैंस की वजह से। आई रियली वांट तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि भाई उन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया, इतना प्यार दिया, हमारे शो को इतना बढ़ावा दिया। हमारा शो एक 200 का मार्क अभी 200 एपिसोड्स तक पहुंचने वाला है और इस मुकाम पर भी पहुंचाने के लिए सिर्फ हमारे फैंस ही हैं जो कि जिम्मेदार हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी एंड आई लव यू सो मच।